हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्जाम्स। आज मैं आपको इग्नो के कोर्स BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर करवाऊंगी। इस बुक में टोटल आपके पास में 4 ब्लॉक्स दे रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट ब्लॉक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसकी जो लास्ट यूनिट है उसमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप अपने बिहाफ पे भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ जो सेलेक्टिव और थोड़े से टफ टाइप में टॉपिक्स है वो मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि आप इनको कम्प्लीट कर पाएँ एग्जाम से पहले। और इसके बाद में इवन मे बी कल से ना मैं इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो सब अपलोड करूँगी, जिससे आपकी एक बार थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके के पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आज हम इसका सेकेंड ब्लॉक करेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस। और इस ब्लॉक में भी टोटल आपके पास में 4 यूनिट्स दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर ये है लिटरेरी डिवाइस, जिसमें फर्स्ट यूनिट है साउंड पैटर्न, और जो इसकी 3 यूनिट्स है वो फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। और पूरी बुक में ये जो आपका सेकंड ब्लॉक है ना, बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लस थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे रूल्स को लर्न करना पड़ेगा। प्लस इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ना सेम स्पेलिंग्स आपको दे रखे हैं। तो आज हम इसका करेंगे यूनिट 5 साउंड पैटर्न। यहाँ पे देखिए, पहले इसका थोड़ा मैं आपको इंट्रो समझाती हूँ। साउंड पैटर्न में क्या है, लिटरेचर डिपेंड्स द रिप्रेजेंट्स द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस एंड एस्पिरेशंस। जो भी लिटरेचर होता है ना, उसका बेसिकली यूज़ किस में किया जाता है, जो भी ह्यूमन्स के एक्सप्रेशंस होते हैं, थाट्स होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती है, जो भी चीज़ें आपको अपने थाट्स को एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लिटरेचर का यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड मोर ऑफन राइटर्स मेक द मोस्ट ऑर्डिनरी डे टू डे थिंग्स एंड इवेंट अपीयर्स टायरिंग, ब्यूटिफुल और मिस्टीरियस। और कई बार जैसे पोएम होती हैं, या जो स्टेंजर्स टाइप में होते हैं, नॉवल्स, फिक्शंस वगैरह जो भी होती हैं, उनमें आपने देखा होगा कि जो राइटर ऑथर जो होते हैं ना, वो नॉर्मल सी चीज़ को भी इतना प्यारा एक्सप्रेस करते हैं कि हमें वो जो एक्चुअल नेचर की ब्यूटी होती है, या फिर जो भी नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, उनकी जो भी ब्यूटी होती है ना, वो हमें उनके पोएट्स और जो उनके पोएम्स वगैरह होते हैं या पैराग्राफ्स होते हैं, उन्हीं से पढ़ के पता चलता है। यूजुअली हम लोग नेचर की जो ब्यूटी होती है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जब हम उनके थॉट्स को पढ़ते हैं, जब हमें पता चलता है कि उन्होंने ऐसे उसको एक्सप्रेस किया है, तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलता है कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वो कितने अच्छे तरीके से हो रहे हैं, उनकी ब्यूटी क्या है, उनके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो ये सब चीज़ें लिटरेचर की हेल्प से हमको क्लियर होती है। इसके बाद में जो ये लिटरेचर, जो ये मैंने बोला आपको साउंड पैटर्न, तो यहाँ पे कुछ आपको डिवाइसेस दे रखे हैं, जो कि साउंड पैटर्न और जो लिटरेरी वर्क होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए वर्क करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे रिदम, एलिट्रेशन, एजोनेंस और ऑनोमेटोपिया। तो ये यूजुअली आपको दे रखे, रिदम राइम हो गया, एलिट्रेशन, एजोनेंस और ऑनोमेटोपिया। तो ये सबको मैं वन बाय वन इसमें यूनिट में आपको समझाऊंगी। सबसे पहला हम करते हैं रिदम। रिदम क्या होता है, देखिए, रिदम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द बीट एंड द पेस ऑफ अ पोएम। जो भी पोएम होती है उसकी बीट क्या है, किस अकॉर्डिंग, कई बार ना साउंड जो होता है लाउड होता है, कई बार स्लो हो जाता है, कई बार हम स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा देते हैं कुछ सिलेबल्स पे, कई बार स्ट्रेस कम हो जाता है, तो ये चीज़ें आपके रिदम में आती हैं, मीन्स कि एक फ्लो बनाना। नाउ द टर्म रिदम रेफर्स टू अ मूवमेंट दैट अकर्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। English has what we call a stress timed rhythm, which means that the structure syllable come at approximately equal interval of time regardless to the number of the intervening unstressed syllables. अब यहाँ पे इसको समझिए कि इसमें होता क्या है, जो rhythm आप बनाते हैं उसमें एक regular time interval होता है। अब यहाँ पे आपको ना ये statement देखिए, जैसे you और I, जो you है ना वो होते हैं stress unstressed syllable, और जो I है वो क्या है, stress सिलेबल है। पहले तो एक बार सिलेबल वर्ड को समझिए, ये होता क्या है। तो सिलेबल क्या होता है, एक वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड विच कंटेन्स अ वोवल। तो कोई भी वर्ड हो सकता है या उस
वर्ड का एक पार्ट हो सकता है जिसके अंदर वोवल होता है, या फिर जो कॉन्सोनेंट भी यूज़ किया जा रहा है तो उसका जो साउंड है वो कैसा आना चाहिए, वोवल जैसा आना चाहिए। जब आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे ए एन और द, तो आपने अगर बेसिक जब पढ़ते हैं ना तो हमें ये सिखाया जाता है जहाँ पे ए ई आई ओ यू आपको दिखे ना तो वहाँ पे आपको एन लगाना है। लेकिन जब हम थोड़े एडवांस लेवल पे वोवल्स को पढ़ते हैं तो हमें साउंड की पहचान होती है, साउंड की आइडेंटिफिकेशन होती है कि जहाँ पे वोवल साउंड आता है वहाँ पे एन लगता है। तो यही चीज़ें आपको समझा रखी है कि या तो वर्ड के अंदर वोवल हो या फिर वो जो कॉन्सोनेंट है उसका भी वोवल जैसा साउंड हो तो उसे हम सिलेबल कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे बेटर, तो जो बेटर वर्ड है इसमें दो सिलेबल है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं रिदम में, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू डू गुड। अब जो स्ट्रेस सिलेबल है ना उसको यहाँ पे जो कॉमा जैसा साइन लगा रखा है ना इसको स्ट्रेस सिलेबल से डिफाइन किया गया है। एंड यहाँ पे आपके पास में टोटल 8 सिलेबल्स हैं और जिसमें 4 जो है वो स्ट्रेस्ड हैं और बाकी के जो है ना वो टाइम इंटरवल पे आ रहे हैं और वो है अनस्ट्रेस्ड। तो ये जो सेंटेंस आपको दे रखा है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे टोटल 8 वर्ड्स हैं, चाहे वो वोवल है चाहे वो पार्ट हो अल्फाबेट हो किसी भी तरीके से टोटल आपके पास में 8 सिलेबल्स यहाँ पे दे रखे हैं और जिसमें से जो 4 जहाँ जहाँ कॉमा दिख रहा है ना, ये 1 और ये 2 ये 3 और ये 4, जहाँ पे कॉमा ये ऊपर दिख रहा है आपको वो आपके पास में 4 स्ट्रेस्ड हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ पे इसको एग्जांपल से दे रखा है कि अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू डू, तो यहाँ पे अगर आपको यू आई की टर्म में आपने लिखा तो कैसे लिखा, जो यू है ना इसका मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का मतलब जहाँ पे आप ज़्यादा जोर नहीं दे रहे, जहाँ पे जो पेस है वो बहुत नॉर्मल रहता है, और जो स्ट्रेस सिलेबल होता है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपने जोर दिया और ज़्यादा वर्ड को एक्सप्रेस किया। ये आपको यहाँ पे सीक्वेंस दे रखा है, 8 होंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि 8 सिलेबल से और जिसमें से 4 जो है वो क्या है स्ट्रेस है और जो 4 है वो क्या है अनस्ट्रेस है। तो जो आई वाले हैं ना वो आपके पास में स्ट्रेस सिलेबल होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, काइंड ऑफ रिदम इज क्वाइट कॉमन इन पोएट्री एंड इज कॉल्ड आयम्बिक मीटर। तो जो रिदम होती है ना कोई भी पोएट्री, स्पेशली पोएट की अगर हम बात करते हैं, जो पोएम्स होती हैं उनमें रिदम एक, उसमें एक कॉमन तरीके की रिदम होती है जिसे हम आयम्बिक मीटर कहते हैं। सो आयम्बिक मीटर इज अ टर्म यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल्स दैट फॉर्म द बीट्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस सिलेबल्स एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स इन ईच लाइन ऑफ द पोएम। तो यूजुअली जो आयम्बिक मीटर होता है ना वो स्ट्रेस सिलेबल्स को डिवाइड करता है या डिफाइन करता है या रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर जो बीट होती है, जैसे आपने कई बार म्यूजिक में सुना होगा जो डांसर्स होते हैं ना वो बीट पकड़ के डांस करते हैं, कभी जो जैसा म्यूजिक होता है, कई बार लाउड म्यूजिक होता है तो उनके स्टेप्स में उसी तरीके की स्पीड आपको दिखेगी, कई बार जो म्यूजिक है वो फास्ट हो जाता है, कई बार स्लो हो जाता है, तो जो परफॉर्मेंस होती है ना वो बीट पकड़ के परफॉर्मेंस होती है। तो यही चीज़ पोएम में होती है जब उसे बोला जाता है, तो यही आपको यहाँ पे समझा रखा है। इफ़ यू हैव अ पैटर्न इन विच वन वीक, वीक का मतलब होता है जो अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो स्ट्रेस सिलेबल होते हैं। तो एक कोई भी जो पैटर्न जिसके अंदर एक वीक सिलेबल हो और एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल हो उसे हम आयम्बिक मीटर कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आयम्बिक मीटर के अलावा यहाँ पे एक और टर्म का यूज़ किया गया है जिसको कहते हैं मेट्रिकल पैटर्न। तो ये मेट्रिकल पैटर्न क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन में क्या होता है कई बार ना ऐसे स्टेंजा टाइप में दे दिया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हैं, और फिर उसमें आपको आयम्बिक मीटर या फिर जो मेट्रिकल पैटर्न होता है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। नाउ मटेरियल पैटर्न क्या होता है, द पैटर्न ऑफ द बीट्स इन अ पीस ऑफ म्यूजिक विच इंक्लूड्स मीटर टैम्पोज एंड द अदर रिदमिक एस्पेक्ट्स। तो मटेरियल पैटर्न क्या होता है, जहाँ पे जो एक पीस ऑफ म्यूजिक होता है, म्यूजिक का यहाँ पे पोएम भी ले सकते हैं, जैसे जो पोएम होती है ना वो भी एक म्यूजिक की फॉर्म में प्ले करी जाती है, छोटे बच्चों को ना राइमिंग सिखाई जाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार टाइप ऑफ, तो यहाँ पे क्या है एक तरीका का म्यूजिक भी होता है। तो जो पैटर्न ऑफ बीट होता है ना इन द पीस ऑफ म्यूजिक, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, मीटर जो आयम्बिक मीटर मैंने आपको बताया जिसमें वन स्ट्रॉन्ग सिलेबल हो गया, एक वीक सिलेबल हो गया और टेम्पो हो गया, या फिर जो और अदर रिदमिक एस्पेक्ट्स होते हैं उसे हम कहते हैं मेटेरिकल पैटर्न। तो आई होप आपको रिदम क्लियर हो गया होगा, रिदम समझ में आया होगा, रिदम क्या होता है ये पोएम। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मॉडर्न पोएट्री होती है उसमें बहुत सारे सॉरी
जो मॉडर्न पोएट्री होती है उसमें ब्रेक होते हैं, रिपीटेशन होता है और बहुत सारा ना स्पेस होता है साइलेंस। कई बार बोलते बोलते ऑथर या पोएट चुप हो जाए या एक तरीके का साइलेंस क्रिएट हो जाए और या फिर ब्रेक हो या जो वर्ड्स होते हैं रिपीटेशंस होती है उनकी, तो ये चीज़ रिदम का एक पार्ट होता है। और ये चीज़ आपने म्यूज़िक में भी देखी होगी, बहुत सारे म्यूज़िक में वर्ड्स को जो मेन टाइटल होता है उसको कई बार रिपीट किया जाता है, तो ये बेसिकली रिदम का ही काम करते हैं। रिदम के बाद में नेक्स्ट आता है राइम। राइम वर्ड जो होता है, ये पोएम जैसे आपने बहुत सारी सुनी होंगी, स्टिल विल, लुक हुक, ऐसे जो वर्ड्स की हम राइमिंग करते हैं, बुक लुक, स्लीप डीप, तो ऐसे जो वर्ड्स जिसमें सेम प्रोनाउंस आता है, लास्ट में जो वर्ड का साउंड होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, उसे हम राइम कहते हैं। नाउ राइम इज़ अ टर्म यूज फॉर द सिमिलैरिटीज ऑफ साउंड इन द फाइनल सिलेबल। जो फाइनल सिलेबल होता है ये यूजुअली लास्ट सिलेबल, लास्ट वर्ड होता है किसी भी स्टेटमेंट में, तो उसमें जो सिमिलैरिटी होती है साउंड की उसे हम राइम कहते हैं। ऑफ टू और मोर लाइन्स ऑफ वर्सेज, फॉर टू लाइन्स ऑफ राइम द लास्ट स्ट्रेस वोवल साउंड एंड द ऑल साउंड आफ्टर इट मस्ट बी द सेम। तो यूजुअली ये जो पोएम होती है या जो स्टेटमेंट्स होती हैं, लाइन्स होती हैं, उनमें लास्ट के वर्ड्स को ऐसे मेजर किया जाता है, देखा जाता है। यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई, और द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल एंड लिसन लाइक अ थ्री इयर्स चाइल्ड, और द मैरिनर हैड्स हिज विल। तो ये स्टिल वेल, इस टाइप के जो वर्ड्स है ना, इनका क्या होता है, साउंड सिमिलर होता है, तो इसे हम राइम कहते हैं। और ये जो राइम होती है ये एक फॉर्म में होती है जिसे हम कहते हैं ए बी बी ए। अब ये जो फॉर्म है ना, ये मैं आपको समझाऊंगी अभी डिटेल में इसमें आगे, बट ये ए और बी आपको दो टर्म ध्यान रखने हैं। इसी से ये जो आपका स्टैंजा फॉर्मेशन हो रही है ना, एक थीम बन रही है, वो इसी से बनती है, ए और बी से। तो इसको मैं अभी आपको आगे समझाती हूँ, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो राइम होती है ना वो बेसिकली एंड्स ऑफ द लाइन ऑफ द पोएट्री के लिए होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है, और स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि वो उन पोएम्स को या जो स्टैंजा होता है उसको ज़्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं, और उसको दोबारा बोलना होता है तो वो याद दोबारा अच्छे तरीके से रिपीट कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है जो चीज़ें हैं ना, जो राइमिंग है वो क्या आपस में रिलेट कर रही है। तो एक पॉइंट भी अगर उनको विल शेर, विल हिल और इस तरीके से चीज़ें उनको याद रहेंगी, स्टिल विल टाइप्स ऑफ, तो उससे वो चीज़ों को आराम से रिलेट कर पाते हैं और रिकॉल कर पाते हैं। इसके अलावा राइम में और भी पॉइंट्स बता रखे हैं। राइम में भी यूज बाय द पोएट्स टू डिफरेंट पैटर्न, सच पैटर्न इज कॉल्ड द राइम स्कीम। तो जो राइम होती है वो पोएट्स और भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में भी इसका यूज़ करते हैं, और इस टाइप के पैटर्न को राइम स्कीम कहा जाता है। और जो राइम स्कीम होती है ना वो बेसिकली इस फॉर्म में होती है, ए बी बी ए ए। अब इसको थोड़ा समझाती हूँ, ये राइम स्कीम है ये किस तरीके से। यहाँ पे देखिए, आपको चेक योर प्रोग्रेस में एक क्वेश्चन दे रखा है, तो जहाँ पे पहला साउंड है ये क्या है, स्लिप, तो इसको आपने ए मार्क कर दिया, और फिर आपको जो बाकी की लाइंस दे रखी है उसमें आपने देखा जो ईप साउंड है ना, स्लिप के बाद में जो ईप साउंड है ये और किस में आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीप में आ रहा है, फोर्थ लाइन में। यहाँ पे टोटल आपको फोर लाइन्स दे रखी है, 1 2 3 और 4। तो ये जो स्लिप साउंड है इसको आपने ए मार्क किया, और सेम साउंड यहाँ पे डीप में आ रहा है तो इसको भी आपने क्या मार्क कर दिया, ए मार्क कर दिया, तो दोनों में ए मार्क हो गया। नेक्स्ट आपने स्लीप के बाद में नेक्स्ट जो वर्ड देखा वो देखा बुक, तो ये एक अलग साउंड हो गया, मतलब ये ए साउंड था और ये वाला कौन सा हो गया, बी साउंड। देन व्हाट यू कैन सी कि जो बुक है ना, यही वाला सेम साउंड लुक में भी आ रहा है, तो आपने इन दोनों को जो सिमिलर साउंड थे इनको क्या दे दिया, बी नाम दे दिया। इट मीन्स कि यहाँ पे ए बी सी आप कोई भी अल्फाबेट्स कितने भी ले सकते हैं, आपको वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है कि उनमें कितनी बार साउंड रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे दो तरीके का साउंड रिपीट हो रहा है, एक तो स्लीप और डीप जो कि ए से डिफाइन कर दिया आपने, सेकेंड में बुक और लुक तो जो कि आपने बी से डिफाइन कर दिया। अब इसकी जो राइम स्कीम बनेगी वो कैसे बनेगी, पहले आ रहा है स्लीप तो ए, फिर बुक बी, और फिर लुक उसके लिए भी बी, और डीप फिर उसके लिए ए, तो ए बी बी ए। तो ये आपके पास में राइम स्कीम बन गई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जो यहाँ पे आपके पास में फोर लाइंस दे रखी है, इसमें फर्स्ट और फोर्थ जो है, फर्स्ट मतलब कि स्लीप और फोर्थ जो है वो डीप, इन दोनों में क्या है, सेम राइम है। और जो सेकेंड और थर्ड है, सेकेंड और थर्ड बुक और लुक, इसमें दोनों में सेम राइम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सेम राइम किस तरीके से आ रही है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है द राइम स्कीम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो अब जो ये राइम स्कीम है ना, इस पैराग्राफ में आपने देखा तो ए बी बी ए, तो जो राइम स्कीम है वो कैसे बनी, ए बी बी ए। नाउ ये जो राइम स्कीम है ये चारों लाइंस को आपस में टुगेदरली टाई अप करती है और एक स्टेंजा बनाती है।
सो आई होप आपको राइम भी क्लियर हो गया होगा और रिदम भी क्लियर हो गया है। अगर यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी और समझ में आए हैं ये पॉइंट्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एलिट्रेशन। तो जो टर्म एलिट्रेशन है ये रेफर क्या करती है, अपीयरेंस ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड और द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट आर नेक्स्ट टू और क्लोज टू ईच अदर। अब इसमें क्या होता है, जो ऑलमोस्ट जो साउंड्स होते हैं ना, सेम कॉन्सोनेंट साउंड हो गया या जो बिगिनिंग का वर्ड जो स्टार्ट होता है, जैसे कि फ्लू वर्ड है, ब्लू वर्ड है और या फॉर्म वर्ड है, तो ऐसे जो वर्ड्स है ना, भले ही सब एफ से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन इनका जो साउंड है ना वो सेम तरीके से लिया जा रहा है, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जो सी साउंड होता है ना, इसको कई बार स भी बोला जाता है और इसको कै भी बोला जाता है। जब आप सी लिखते हैं ना तो कैट लिखा आपने, कैच लिखा, ऐसे लिख देते हैं। और कई बार आप जब वर्ड होता है ना स, इसकी ये जो सी में आपने कैट और कैच बनाया, तो यहाँ पे जो साउंड है ना सी का, वो साउंड कौन सा है, क है। और वहीं पे जैसे आप सी एच लिखते हैं तो ये च साउंड में चला जाता है, चैटिंग हो गया, ओके। तो यहाँ पे स्टार्टिंग सी से ही होती है लेकिन आपका जो साउंड है ना वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब ऐसे साउंड आपका चेंज नहीं होता, वर्ड्स की स्टार्टिंग सेम रहती है, तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे आपको दे रखे हैं, इसको और ज़्यादा डेप्थ में समझाती हूँ मैं आपको। देखिए ये आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, यहाँ पे साउंड देखिए एफ़ का, जो कि फेयर, फॉर्म, फ्लू, फ्रो, इन सब में एफ़ का जो साउंड है वो सेम है। ब्रीज, ब्लू, ब्रस्ट, तो यहाँ पे बी का साउंड सेम है। डब्ल्यू में वाइट, वी, वर, इनमें साउंड जो है सेम होता है। तो इसे जो इस टाइप का स्टेंजा होता है जिसमें ऐसे साउंड में सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिल रही है, इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपको चेक योर प्रोग्रेस में दे रखा है कि जो साउंड है, जैसे आपने डब्ल्यू वाले वर्ड्स को ना अलग से अंडरलाइन किया, जब अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग हो रही है डब्ल्यू वाले वर्ड्स को अलग से आपने अंडरलाइन किया, तो आप क्या देखेंगे, जो साउंड सिमिलर आ रहा है, वैन, वाइट, तो यहाँ पे वो साउंड जो आ रहा है वो सिमिलर सिमिलर चल रहा है। तो ये चीज़ें आपकी एलिट्रेशन में आती हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया, एफ़ फॉर फीट हो गया, फ्लावर्स हो गया, बी फॉर बेबी, बीट हो गया, या एल फॉर लिटिल, लाइक हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपकी एलिट्रेशन में आती हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पॉइंट आउट द एलिट्रेशन इन द फॉलोइंग पैसेज ऑफ पोएट्री। तो आपको ऐसे पोएट्री टाइप में दे दी जाएगी और उसके बाद में आपको एलिट्रेशन को पॉइंट आउट करना है, जो भी पोएट्री आपको या 4-5 लाइंस आपको दे रखी होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एजोनेंस। एजोनेंस और वोवल राइम हम इसको कहते हैं, और वोवल राइम इसको, एजोनेंस को एक और डिफाइन कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ अ वोवल साउंड अक्रॉस अ लाइन ऑफ टेक्स्ट और अ पोएट्री। तो जहाँ पे जो वोवल साउंड है ना वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है, तो उसे हम एजोनेंस कहते हैं। अब एजोनेंस में आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे बॉर्न, वॉर्म। तो इस तरीके से जो टर्म एजोनेंस है ना उसको रेफर किया जाता है कि इन द वे वर्ड साउंड स्पेशली द वोवल साउंड इन देम। तो जो वोवल साउंड होता है, वोवल राइम बन रही है या जो वोवल साउंड है उसका रिपीटेशन होता है, उसे हम एजोनेंस कहते हैं। यहाँ पे आपके पास में एग्जाम्पल है, जैसे जो ओ साउंड है ना ये लॉन्ग ओ है। जैसे कई बार वर्ड्स होते हैं जिसको हम ना एकदम से बोल के ख़त्म हो जाते हैं, और कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम स्ट्रेच करते हैं। जैसे वर्ड आपने बोला हॉ, तो आपने क्या किया, जो यहाँ पे एच डब्ल्यू डब्ल्यू आप लिखते हैं ना, तो ये जो साउंड है ना ये काफ़ी स्ट्रेच हो रहा है। तो कई बार साउंड ऐसे स्ट्रेच होता है और कई बार साउंड नॉर्मल बोल दिया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है कि जो ये ओ साउंड है ना, ये लॉन्ग ओ साउंड है। कहाँ, वहाँ पे, जैसे गो, तो गो को ऐसे नहीं बोला था, गो गो स्लो, इस तरीके से। और या फिर जो ये और वर्ड्स आपको दे रखे हैं, इसमें जो ओ साउंड है ना ये क्या है, काफ़ी लंबा सा साउंड है। तो ये एसोनेंस का एक एग्जांपल है जिसमें आपने पूरे सेंटेंस में ऑलमोस्ट सेम तरीके का साउंड बोला था ओ के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और आपको एग्जांपल दे रखे हैं, एंड द मे मंथ फ्लैप्स इट ग्लैड्स ग्रीन लीव्स लाइक विंग्स। तो यहाँ पे कुछ आपको फ्लैप और ग्लैड वर्ड जो है इसका साउंड ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया, ओके। और या जो ग्रीन और लीव्स है इसमें आपने आई साउंड कैसे प्रोनाउंस किया, तो ये चीज़ें आपके पास में एजोनेंस में आती हैं, और या फिर वोवल राइम भी हम इसको कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑनोमेटोपिया। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा और सबसे मेरा वन ऑफ द फेवरेट ये टॉपिक है ऑनोमेटोपिया, जहाँ पे हम जो वर्ड्स होते हैं उनको नेचुरल साउंड से रिलेट करते हैं, उसे हम ऑनोमेटोपिया कहते हैं। जैसे किसी बर्ड का साउंड है, बर्ड्स चॉपिंग करती हैं, कोको साउंड या ची ची साउंड, तो ये जो साउंड होता है ना ये आपको बता देते हैं कि इससे आप नेचुरल थिंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे जो पानी गिरता है वो उसकी टिप टिप, जो पानी का एक्चुअल में साउंड नहीं होता ना ये, लेकिन इस साउंड को हम
जब डिफाइन करते हैं या वर्ड हम कहीं पर सुनते हैं टिप टिप, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये यहाँ पे किसी पानी से रिलेटेड या ड्रॉपलेट से रिलेटेड बात करी जा रही है। तो ऐसा फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ वर्ड्स इमिटेट इट्स सेंस, तो जो वर्ड का जो साउंड होता है ना उसी से आप चीज़ का आइडिया लगा लें कि ये क्या चीज़ हो सकती है, उसे हम ऑनोमेटोपिया कहते हैं। मीन्स कि किसी के साउंड से आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, जैसे भौ भौ साउंड है, ये डॉग का साउंड है, तो आपको साउंड से समझ आ जाता है ये क्या है। ये साउंड है, स्नेक का साउंड हो गया, बूम पॉप क्रैश सिजल, तो ऐसे जो साउंड्स होते हैं जिससे आप वर्ड को अपने आप उसकी सेंस आपको समझ में आ जाती है, या नेचुरली चीज़ों को हम रिलेट करते हैं तो उसे हम ऑनोमेटोपिया कहते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ऑनोमेटोपिया सबसे ईजी टॉपिक था आपका इस यूनिट का इवन, और इसके बाद में ये हमारा चेक योर प्रोग्रेस, और आप इसको एक बार देखिएगा। देखिए ऐसे आपको ना क्वेश्चंस की फॉर्म में दे रखे, पूरे पूरे पैराग्राफ्स दे रखे हैं और काफ़ी लेंथी दे रखे हैं, तो इतना पढ़ने का भी टाइम नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक बार थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ कि आपको थोड़ा इंट्रो पता चल जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें कैसे दे रखी हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप इससे रिलेट करें, क्योंकि ये ग्रामर वाला पोर्शन है, एग्ज़ाम आपका ग्रामर से रिलेट करता है, तो इसमें आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। अब हम करते हैं यूनिट 6 जो कि है फिगर ऑफ स्पीच। अब ये फिगर ऑफ स्पीच ना थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, थ्री यूनिट्स में डिवाइड है। अभी हम कर रहे हैं इसका फिगर ऑफ स्पीच 1। तो फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट पजेसेस अ सेपरेट मीनिंग फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, जो आपको वर्ड की डेफिनेशन दे रखी हो उसके अलावा अगर आप किसी और टाइप का मीनिंग उससे पजेस करवाते हैं या उसका कोई और मीनिंग निकलता है तो उसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। यूजुअली जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ये टाइप में डिवाइड है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम इन सबको पढ़ने वाले हैं, सिंपली मेटाफर, सिनेडोइक, मेटोनॉमी और पर्सोनिफिकेशन। तो ये टाइप की फिगर ऑफ स्पीच हम इस यूनिट में कवर करेंगे, बाकी टाइप की फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको नेक्स्ट यूनिट में कंप्लीट करवाऊंगी। नाउ इंट्रोडक्शन में देखते हैं, अ फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन दैट इज जनरली नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमन ऑर्डिनरी लैंग्वेज बट मार्क्ड फीचर ऑफ लिटरेरी प्राइसेस। तो जो फिगर ऑफ स्पीच होती है ना ये यूजुअली कॉमन नहीं होती है और ऑर्डिनरी लैंग्वेज का एक पार्ट नहीं है, लेकिन जो लिटरेरी प्राइज होता है जैसे लिटरेचर जो आपके पास में होता है उसमें इसका आपको ज़्यादातर यूज देखने को मिलता है। फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट द यूज ऑफ वर्ड्स इन अ डिफरेंट फ्रॉम देयर ऑर्डिनरी। जो भी आप नॉर्मल कॉमन सेंस में वर्ड्स का यूज करते हैं, स्पीच का यूज करते हैं, या जिस तरीके से भी आप क्रिएटिव राइटर्स बनाते हैं, जो वर्ड्स को आप कॉमनली यूज करते हैं, उसके अलावा जब हम एक अलग तरीके से कुछ क्रिएटिव राइटिंग में या फिर उसका उसमें कुछ चेंजेस आ गए तो उसमें जो हम चेंजेस करते हैं ना वो चीज़ें हम फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। अब हमारा फिगर ऑफ स्पीच में फर्स्ट टॉपिक आता है सिमिली। तो सिमिली क्या है, इज एन एक्सप्रेशन इन विच वी मेक एज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं वो भी किसकी हेल्प से, लाइक और एज जैसे वर्ड्स को यूज़ करके, कि वाइट एज लाइक मिल्क हो गया या फिर कोल्ड एज लाइक आइस हो गया। तो जब आप लाइक और एज वर्ड का यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के बीच में तो उसे हम सिमिली कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है एज ब्रेव एज लाइन, तो यहाँ पे आपने एज वर्ड का यूज़ किया कि कोई बहुत ब्रेव है जैसे कि लायन होता है, तो उसे आपने एग्जांपल दिया एज ब्रेव एज लायन। तो ये क्या है, कंपैरिजन हो गया दो चीज़ों के बीच में, और किस वर्ड का आपने यूज़ किया, एज वर्ड का यूज़ किया, एज कोल्ड एज आइस, तो यहाँ पे भी दो में कंपैरिजन हो गया। तो इन शॉर्ट जब आप किसी दो चीज़ों में, दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं और वो भी एज और लाइक जैसे वर्ड्स को यूज़ करके तो उसे हम सिमिली कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में मेटाफर। मेटाफर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है एक्सटेंडेड मेटाफर और सेकंड वन इज पहला आता है एक्सटेंडेड मेटाफर और सेकंड वन इज आपके पास में आता है मिक्स्ड मेटाफर। तो हम पहले मेटाफर को समझते हैं ये क्या होता है, उसके बाद में मैं आपको इसके टाइप्स समझाऊंगी। तो मेटाफर क्या होता है कि जैसे इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी यूज अ नेम और अ डिस्क्रिप्टिव टर्म और अ फ्रेज और एन ऑब्जेक्ट और एक्शन विच इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल। शॉर्ट में आपको समझाती हूँ, जो सिमिली होता है ना उसमें भी कंपैरिजन होता है और जो मेटाफर होता है उसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन उसमें हम एज और लाइक वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, उसमें डायरेक्ट एक स्टेटमेंट को बोल के समझा दिया जाता है। We can say about a person that her absence was like a long winter. This would be a simile. अब जैसे आपने like word का use किया या as word का जब आप use करते हैं ना sentence में तो वो क्या बन जाता है, simile बन जाता है। But अगर आप बिना as or like word के use करें, lacking in warmth हो गया या that is was a windy greeting हो गया, this would be a metaphor. तो जहाँ पे like और as word का use नहीं करते तो वो चीज़ क्या हो जाती है, metaphor हो जाती है। अभी इसको और ज़्यादा अच्छे example से समझाती हूँ। जैसे कि हर smile is as
ब्राइट एज सनशाइन, तो जो उसकी स्माइल है ना वो सनशाइन, जैसे सन की रेज होती है ना, जैसे चमकता हुआ सूरज होता है, तो ऐसी स्माइल है। तो ये चीज़ क्या हो गई, सिमली। क्यों? क्योंकि आपने इसमें जो वर्ड्स हैं इसमें किसका यूज़ किया आपने, एज वर्ड का यूज़ किया कंपैरिजन के लिए, तो ये चीज़ क्या हो गई, सिमली हो गई। लेकिन यहाँ पे आपने क्या लिखा, हर स्माइल इज सनशाइन, तो उसकी जो स्माइल है वो कैसी है, सनशाइन। तो ये चीज़ क्या हो गई, मेटाफर, जहाँ पे आपने बताया तो कि हाँ ऐसा है, लेकिन आपने एज वर्ड को कंपेयर नहीं किया, एज या लाइक वर्ड का यूज नहीं किया। एक और एग्जांपल से, जैसे कि आप किसी को बोलते हैं ही इज सो ब्रेव या ही इज स्टोन हार्टेड, तो आप जब ऐसे बोलते हैं ना कि वो ब्रेव है या पत्थर दिल है, तो आपने उसे डायरेक्ट वो चीज़ बोल दी है, तो ये चीज़ क्या होती है, मेटाफर होती है। लेकिन अगर आप किसी को बोलते हैं कि वो पत्थर जैसा पत्थर है या पत्थर जैसे हार्ड है, तो जब आप जैसे या एज वर्ड का यूज करते हैं तो वो चीज़ आपके पास में सिमली में आती है। तो मेटाफर हो चाहे सिमली, दोनों ही एक तरीके का कंपैरिजन होता है, लेकिन जब आप एज और लाइक वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो सिमली होता है, और जब आप एज और लाइक वर्ड का यूज़ नहीं करके नॉर्मल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो वो आपके पास में मेटाफर होता है। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं मेटाफर के, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं, और एक दो एग्जाम्पल याद रख लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेटाफर क्या होता है और मेटाफर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एक्सटेंडेड मेटाफर। तो सम टाइम्स अ राइटर कॉन्टिन्यूज अ मेटाफर ओवर एन एंटायर पोएम और इन अदर पीस ऑफ राइटिंग। तो कई बार क्या होता है, जो मेटाफर होता है ना उसका पूरा पोएम में यूज़ कर दिया जाता है, या काफ़ी लंबे टाइम तक उसको खींच कर यूज़ किया जाता है। तो एक्सटेंड का मतलब होता है उसको स्ट्रेच करना, खींचना। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, लाइफ इज़ अ हाईवे। तो लाइफ क्या है, हाईवे है। हाईवे कैसे है, हाईवे आप दो तरीके से है, हाईवे का मतलब होता है जहाँ पे ट्रैफिक रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप ट्रैफिक चलता रहता है। तो लाइफ भी हमारी ऐसे ही है कि नॉन स्टॉप चलती रहती है, कोई आए जाए किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, आने जाने से लाइफ रुकती नहीं है किसी के, तो लाइफ कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। अडल्टनेस है, बच्चा है, इन्फेंट है, फिर एडोलसेंस टाइम आया, प्यूबर्टी टाइम आया, और ऐसे करके टिल डेथ तक का टाइम चलता जाता है। तो लाइफ क्या है, एक हाईवे है। तो ये चीज़ क्या हो गई है, सिंपल मेटाफर, जिसमें आपने शॉर्ट में एक बात को समझा दिया। लेकिन अगर मुझे इसको एक्सटेंडेड मेटाफर में कन्वर्ट करना हो कि जो लाइफ इज हाईवे, तो इसको मुझे और एक्सटेंड करके समझाना हो, तो मैं इसको कैसे समझाऊंगी, एग्जांपल पूरा समझिए। लाइफ इज अ हाईवे, तो ये तो आपका सिंपल मेटाफर हो गया, लेकिन ये हाईवे कैसे है, दैट टेक्स अस थ्रू द ग्रीन पैस्चर्स वास्ट डेजर्ट्स। इसका मतलब क्या है, जो लाइफ है ना वो हाईवे, क्योंकि हमें ना जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती जाती हैं, कुछ बहुत अच्छा टाइम कट जाता है, कुछ बहुत बुरा ऐसा मतलब मर मर के टाइम कटता है, कुछ बहुत प्यार से टाइम कट जाता है, बहुत सारे लाइफ में ब्रेक्स आते हैं जहाँ पे लगता है कि लाइफ रुक गई है, कुछ करने को नहीं बचा है, तो ऐसी बहुत सारी जो सिचुएशंस लाइफ में होती रहती हैं। तो इसलिए इस चीज़ को जब हमने इतना इलैबोरेट करके समझाया, तो लाइफ क्या हो गई, एक एक्सटेंडेड मेटाफर हो गया। जब आपने सिंपल सेंटेंस में समझाया था तो लाइफ इज अ हाईवे, तो ये चीज़ क्या हो गई थी, आपके पास में सिंपल मेटाफर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल मेटाफर क्या होता है, एक नॉर्मल सेंटेंस में आपने डिफाइन कर दिया, और एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब होता है जब आप उसमें स्ट्रेच करते हैं और उसी से रिलेटेड आप बहुत सारे पॉइंट्स को समझा देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में मिक्स्ड मेटाफर। तो कंबाइन टू मेटाफर्स विच डू नॉट नॉर्मली गो टुगेदर। जब आप दो मेटाफर्स को मिक्स कर देते हैं ना, तो उसे हम मिक्स्ड मेटाफर कहते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है, या इसको मिक्स एफर भी कहते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अहेड वी विल हैव टू आयरन बट द रिमेनिंग बॉटल और आयरन आउट ऑफ द रिमेनिंग बॉटल नेक। तो जब आपने दो मेटाफर्स को मिक्स कर दिया, तो मेटाफर में पहला मेटाफर तो क्या आता है कि इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अहेड, मतलब कि जब हमें आगे बढ़ना होता है तो हमें एकदम ना चट्टान होके बढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें आई थोड़ी बहुत तो उसके बाद में आप वीक हो गए या फाइट नहीं कर पाए। तो ये क्या, एक तरीके का सेंटेंस हो गया। इसके अलावा जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, निराशाएं होती हैं, उसको आपको ओवरकम करना पड़ता है। तो ये दो सेंटेंसेस थे, दो मेटाफर थे, उसको आपने कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दिया, तो ये चीज़ आती है आपके मिक्स्ड मेटाफर में। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मेटाफर का क्लियर हो गया होगा, मेटाफर क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। दो टाइप्स होते हैं, मिक्स्ड और एक्सटेंडेड मेटाफर, दोनों को एग्जाम्पल से आपको डिफाइन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिनेडोइक, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक you so much.